है, क्या बात है, क्या माहौल लग रहा है? देखो, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति बहुत ही उत्साह है और खुशी के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और पहली बार राजस्थान में जिस पार्टी की सरकार होती है उसके प्रति थोड़ी बहुत एंटीकम्बेंसी होती है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किए और जो महंगाई राहत केंद्र में 10 गारंटियां दी है और अभी 7 गारंटियां जो हमने देने का वादा किया है घोषणा पत्र में, उससे भारी उत्साह है। और कोरोना काल में जो मैनेजमेंट सरकार ने किया था उससे भी लोगों में पूरी तरीके से सरकार के प्रति बहुत अच्छी जो है सोच बनी हुई है और वो उत्साह के साथ में वोट दे रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः आएगी। टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, नरेगा और राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कानून दिए थे जिससे आज जो है लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन मोदी जी ने तो नोटबंदी की और अभी महिला आरक्षण की बात की है जो कब लागू होगा पता नहीं है। तो कंपेरिजन कर रहे हैं लोग कि मोदी जी का जो गुजरात मॉडल था जो पहले गुजरात को बर्बाद किया और अब देश को बर्बाद कर रहे हैं, राजस्थान के मॉडल को मोदी जी को देश में अपनाना चाहिए था। आप देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन और इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, राइट टू एजुकेशन से लोगों में शिक्षा का स्तर जो अच्छा हुआ है और अभी जो इन्होंने कानून पारित किया है उस कानून का तो कोई अता पता ही नहीं है ये लागू कब होगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने कुछ नहीं किया, केंद्र की सरकार ने, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो अच्छी गुड गवर्नेंस दी है, कोरोना काल में अच्छा काम किया है, उससे लोगों में उत्साह है और कांग्रेस जीत रही है। अठिले साहब थोड़ा सा आगे चलिए। हाँ, आगे फटाफट ले लो, फटाफट मेरे मोबाइल नंबर से। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।